हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, 5,000 साल पुराना देश है, और मैं तो बाबा की नगरी का रहने वाला हूँ, बनारस। तो महादेव का भक्त हूँ, देश में बड़ी काबिलियत है, अंग्रेजों को भगा दिया इस देश में, तो प्रभु किसी न किसी को आगे करेंगे और वो देश जाएगा। मोदी आएंगे, योगी आएंगे, जाएंगे, लेकिन देश रहेगा। महात्मा गांधी चले गए, देश रहा। अंग्रेज चले गए, देश रहा। बंटवारा हो गया, उसके बाद भी देश रहा। इंदिरा गांधी भी आई, वो भी चली गई, देश देश रहेगा। तो ये कहना कि आम जनता बेकूफ है, आम जनता यहाँ की बहुत समझदार है। वो बांग्लादेश बनने के बाद इंदिरा गांधी को हरा सकती है रायबरेली में, वो संजय गांधी को अमेठी में हरा सकती है। तो ये आजादी के बाद के प्रधानमंत्रियों के बात करें तो उनसे बड़े नहीं है, इंदिरा गांधी से बड़े। ये बात करते हैं एक एक सर्जिकल स्ट्राइक के बलबूते पे हल्ला मचाते हैं, उस लौ महिला ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दे दिए। वो चाहती तो लाहौर पे तिरंगा फहरा देती थी, फहरा सकती थी। उस महिला को भी इस देश की आम जनता ने आपातकाल के 19 महीने के बाद 158 सीटों पहुंचा दिया। ये कहां जाएंगे तो वक्त देखेगा। रही बात अडानी की, तो मैं जिस प्रदेश में आता हूं उस प्रदेश में एक सरकार दल के साथ जेपी ग्रुप का नाम जुड़ा था। आज कहां है जेपी ग्रुप पता करिए, जेपी सीमेंट, जेपी ग्रुप कहां है पता कर लीजिए। और शराब के व्यवसाय में कोई चड्ढा भी हुआ करते थे, वो कहां है अब? तो भैया समय का समय थोड़ा सा मिल गया, गुब्बारे में हवा भर गई, वो अपने आप को राजा समझने लग गए। आदमी बड़ा नहीं होता है, बड़ा समय होता है। वही समय गुब्बारा भरता है, वही समय गुब्बारे में हवा निकाल देता है। मैंने सभी विद्वान जनों की बात सुनी, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि जैसे ही भगवान किसी आताताई को खड़ा करते हैं, उसी तरह भगवान उसके साथ साथ उसके विनाश का भी मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। तो रावण का भी अहंकार टूटा है, इंदिरा गांधी का अहंकार तो इस देश की जनता ने देखा है क्या हाल हुआ है। तो भैया ये देश सबको मिलकर चलने वाला है। हम बनारस के बार बार इस चीज का जिक्र करते हैं कि हम बनारस के रहने वाले हैं, बाबा के भक्त हैं, ये मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। अब आपके बनारस ने, आपके बनारस के बगल में गंगा माँ बहती है, उन्होंने अपने बेटे को बुला लिया, तो बनारस वाले क्या करेंगे? जब माँ गंगा ने अपने बेटे को बुला लिया, अभिषेक जी भी बैठे हैं, ये भी बनारस के हैं, ये तो अपना दिल्ली आ गया इसी चक्कर में, बोले चलो भाई जब दूसरा बेटा आ गया तो बनारस के बेटा इधर उधर, आप लखनऊ निकले आए। भाई जब बनारस में माँ गंगा ने अपना बेटा बुला लिया तो बनारस ही क्या करे? नहीं तो अभी तो भाई साहब कह रहे थे ना कि पहले बाबा के यहाँ क्या होता था, वीआईपी दर्शन नहीं होता था थोड़ा, वो मतलब 2-4 लोग। जब से सरकार ने विश्वनाथ मंदिर का वो पूरा अधिग्रहण किया था, जब सोना चोरी हुआ था उसके बाद से, तो कुछ परंपरा थी कि अधिकारी के लोग अपना वीआईपी दर्शन करा देते थे, लेकिन उसको तो अब लीगलाइज कर दिया गया है। मैं जाता हूँ लखनऊ से बनारस तो मुझे वो शांति नहीं मिलती है बाबा विश्वनाथ के उस मंदिर में, जहाँ पे गीले पैर गीला होता था और तक सकून होता था दर्शन में। गलियों में घंटों हम लोग खड़े रहते थे और जाते थे, पानी के अंदर हमारा पैर भीगता था, नंगे पांव जाते थे, बाबा का 1 मिनट दर्शन करते थे, बड़ी शांति मिलती थी। अब तो वो मोदी जी ने उसको टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। हमको तो नहीं लगता कि महादेव अब वहाँ अपना महादेव की वहाँ पूरी तरह से उनकी वो महादेव भी हो सकता है वहां से हट गया हो, पता चलेगा, वो तो आने वाला समय बताएगा कि महादेव अभी वहां पे हैं, उनका मन कहीं और चला गया, वापस कैलाश मानसरोवर को नहीं चले गए। तो ये जो अभी जो चल रहा है और अडानी जी की जो चर्चा हो रही है, नहीं आप ये कह रहे हो कल उत्तराखंड गए हैं वहां ढूंढने गए हो कि अब यहां से बनारस से वहां चले गए, आप ये कह रहे हो? भाई कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अभी सरजू बुलाएंगे उनको 24 जनवरी को, वहां से जब उद्घोष होगा 22 जनवरी को तो बुलाएंगे, मां सरवी ने मुझे बुलाया है। अब बताइए ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से राम मंदिर बन रहा है। हम तो भाई कम पढ़े लिखे हैं, हम तो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर ट्रस्ट बनाया है, लेकिन जानकार भक्त बता रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है तो मोदी जी बना रहे हैं। और जिस राज्य में बैठा हूं मैं, उस राज्य के मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि 500 साल बाद हमने राम मंदिर को वापस लिया, हम सिंध को भी वापस लाएंगे। और आज एक घटना, एक वीडियो वायरल है हुई है
कि हम सब तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, गांव में जो पत्तल बनाते हैं, एक पत्तल बनाने वाले की दीदी पैसा न होने की वजह से मर गई, इलाज नहीं हो पाया, तो उसने चद्दर में उसकी लाश को बांधा और उसको बांस पे टांग के लेके चला गया। ये उस राज्य की बात कर रहा हूं जिस राज्य में ये दावा किया जा रहा है उस राज्य का मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट है। तो भाई साहब भगवान राम की भी आत्मा बड़ी प्रसन्न हो रही होगी कि ऐसा राम राज्य आ रहा है कि एक गरीब बिना पैसे इलाज करा के मर जाती है और उसको उसको मतलब उसको एम्बुलेंस भी नहीं मिलती है। एक बांस पे सिंगल बांस पे बाप बेटे ने लाश को रस चादर में बांध के टांग दिया और वो लेके चले गए। तो साहब ये गजब, मतलब कहते ना कि समय सबसे, एक महाभारत में आता था ना, पहला बोला करते थे बीमारी की आवाज में मैं समय हूं, तो वो समय है, समय चल रहा है। अभी मोदी जी का समय है, भक्तों का समय है, वो कह देंगे कि इस वक्त रात है, इस वक्त सुबह है, तो भक्त ताली बजाएंगे कि नहीं भैया इस वक्त सुबह है। लेकिन हिंदुस्तान मोदी जी के आने के पहले भी रहा और हिंदुस्तान मोदी जी के आने के बाद भी रहा है। मैं जहां बैठा हूं वहां से 10 किलोमीटर दूर एक सारा सार हुआ करता था। अरे एक जमाने में तो लोग कहते थे कि भारत का ना कहीं सहारा भारत ना हो जाए, और आज कहां है, सुब्रत राय सहारा। तो मैं इतना निराशावादी नहीं हूं, मैं इतना मानता हूं कि महादेव का लठ जब चलता है तो चलता है, वो आवाज नहीं करता है, वो ध्वस्त कर देता है। तो ये अडानी कल कहां जाएंगे, अरे भाई अनिल अंबानी भी तो देश के तीसरे नंबर के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, आज कहां है, आज कहां है। समस्या ये है कि ये हम जांच हो सब कुछ हो, लेकिन निराशावादी बात मत करिए कि हम शिकायत किससे करें। अरे बजरंग बली में सब लोग आशावादी हो गए, अब आपने जब कह दिया तो सब एनर्जिक हो गए। अरे बात बजरंग बली और 17 किलोमीटर का रोड शो कर्नाटक में कहां पहुंचा दिया, हिमाचल हार गए। इस देश की जनता बहुत ही मैच्योर है, और जो बहुत घर रखता है ना वो बहुत हिम्मत रखता है। तो मोदी जी ने अभी देश की जनता का प्यार देखा है, अभी उन्होंने जो देश की जनता के कोप का सामना नहीं किया है। तो देश की जनता का रौद्र रूप कब आएगा ये महादेव डिसाइड कर लेंगे। और अडानी जैसे जो ना ये कहते ना कि चिलगोजे आते रहते हैं हवा में गुब्बारे, हमारे बगल में भी सहारा था ना, सुब्रत राय सहारा, बात ऐसी होती थी कि भाई लोग सहारा सी अब कहाँ है, है? चड्ढा वेब ग्रुप वाले चड्ढा जी कहाँ है, जेपी ग्रुप वाले कहाँ है। ये 10 साल की इनकी कहानी है कि चल देंगे, ये टाटा नहीं है, ये बिरला नहीं है और ये अंबानी नहीं है,